जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आखिरी दावा किस प्रकार का रहने वाला है, कल का परिणाम? ऐतिहासिक सीटें 135 प्लस। अगर मान ली जाए कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं और उसमें बीजेपी को कम बताया गया है, उस कंडीशन में किस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे राजस्थान की जनता के ऊपर विश्वास है, उनका दिया हुआ स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक ऐतिहासिक परिणाम देगा। उनका श्रम परिश्रम एक अच्छे परिणाम की ओर ले जा रहा है और कल इस समय तक वो परिणाम हम सब लोगों के सामने होंगे। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी के जो बागी हैं और निर्दलीय तौर पर लड़े हैं वो कुछ जीत सकते हैं, तो क्या उनसे किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश पार्टी द्वारा की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। 135 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कांग्रेस 50 के अंदर जाएगी, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि एक स्पष्ट बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल आए, फिर से मेरा वही सवाल है और इसी बात, उसके बाद मुख्यमंत्री कई प्रत्याशियों से अपने मिले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो अन्य दल हैं, BAP और अन्य लोगों से भी उन्होंने संपर्क किया है, तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को किसी प्रकार के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं सोच रहा हूँ, फिर से मेरा वही जवाब होगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और 135 प्लस रहेंगे और कई लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारे वैचारिक लोग हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देंगे। अगर 135 का नंबर आ जाता है तो फिर कल किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली, कल ही विधायक दल की बैठक हो जाएगी या फिर आगे प्रोसीजर? कल चूंकि काउंटिंग होगी तो सभी अपना मतगणना समाप्त होने के बाद उनके सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद हम पार्टी की अपनी रणनीति होगी, सब लोगों को बुला के बैठक होगी। फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान में, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आपके 135 के दावे के बाद वही सवाल शेष रह जाता है। अच्छा होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रदेश हित में बहुत अच्छा निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये CP जोशी, जिनका अभी भी यही दावा है कि बीजेपी जो है वो 135 सीटों के साथ सत्ता में आ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ये बात बीजेपी की हुई, कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, हम OPS के दम पर सरकार बना लेंगे, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो फिर अशोक गहलोत ही सब पर भारी पड़ेंगे। खाचरियावास से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। नतीजे की घड़ी नजदीक है, कल राजस्थान विधानसभा के चुनाव नतीजे आएंगे, किस तरह के परिणाम आ सकते हैं, बात करते हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। खाचरियावास साहब, बेचैनी बढ़ रही होगी, नतीजे की घड़ी नजदीक आ गई है, लग क्या रहा आपको? बेचैनी, ऐसा कोई नेता है जो चुनाव लड़े उसकी बेचैनी नहीं बढ़े? हर आदमी की बेचैनी बढ़ती है। हर आदमी चाहता है जब रिजल्ट आ जाता है तो सबसे पहले वो खुद का रिजल्ट देखता है, अरे अपन तो जीत गए, फिर वो पार्टी की बात करता है। तो ये तो बेचैनी तो इतने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, हर आदमी की बढ़ेगी और बढ़ती भी है, ये तो मानव स्वभाव है। भगवान ने दिल दिया है तो उस दिल में डर भी तो दिया है। लग क्या रहा है, बीजेपी दावा कर रही है कि वो पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली है, कांग्रेस का आकलन क्या है? अब आखिरी वक्त में सारी चीजें आ गई होंगी पूरे प्रदेश भर की आपके पास, तो एक बात ध्यान रखना, जो अब जो ट्रेंड आ रहा है एग्जिट पोल का ट्रेंड आने के बाद तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस के कामों पर वोट मिला है और कांग्रेस के काम पर यदि OPS ने भी काम कर दिया है तो भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो राजस्थान में यदि OPS के नाम पर कर्मचारियों ने वोट दे दिया है, कर्मचारियों के परिवारों ने वोट दे दिया है, तो फिर कांग्रेस की सरकार तय है। वसुंधरा राजे बहुत सक्रिय हो रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं, संघ के नेताओं से मंत्रणा कर रही हैं, राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की है, उनकी सक्रियता क्या इशारा कर रही है? वसुंधरा जी की सक्रियता इशारा कर रही है, तुमने तो मुझे नहीं पूछा, ले ऊपर वाले ने मेरा साथ दे दिया, देखो तुम्हारा कांटा अटक गया है। कांग्रेस यदि एक भी सीट ज्यादा लाती है तो हम सरकार बना लेंगे और हमें तो फायदा मिलेगा। वसुंधरा जी को यदि साइडलाइन करते हैं तो आप देख लेना। खंडित जनादेश की सूरत में कांग्रेस का प्लान बी क्या होगा? खंडित जनादेश आएगा या नहीं आएगा, मेरे को मान लगता है कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें पार कर लेगी। यदि 100 से ज्यादा हम कर ले तो हम सरकार बना लेंगे, और फिर भी मान लो 100 से 90 के बीच में बीजेपी कांग्रेस दोनों अटक जाती है तो फिर खेल इधर उधर से समर्थन का चलेगा, तो उसमें तो ये काका जी अशोक गहलोत जी कम है क्या, वो खुद ही जादूगर है। क्या रिजोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लगता है, बाड़े बंदी की कहीं दरकार नहीं है? जो आदमी बैठे हैं अशोक गहलोत, वो जितने चेहरे से जो मैच्योरनेस दिखती है, जितनी मासूमियत दिखती है, उतनी मासूमियत से वो सामने वाले का इलाज भी तो कर देते हैं फिर, तो वो तो खिलाड़ी है खुद ही यार, अब मैं सब ज्ञान दूंगा कि उनको। आखिरी सवाल, आपका आकलन क्या है, कांग्रेस को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी, अदर्स को कितनी?
देखिए मेरा आकलन तो यह है कि अब सीटें किसकी कितनी आएगी मैं कह नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऊपर वाली पावर हमारी मदद कर रही है, चाहे एक सीट ही ज्यादा है हमारी बीजेपी से ज्यादा आएगी। और सरकार सरकार एक आगे आने के बाद तो यार आप क्या बात करते हो, तो कांग्रेस ही बनाएगी। देश भर में 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आने वाले हैं और जिसे लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भरतपुर में मतगणना की तैयारियों को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने इलेक्शन ऑब्जर्वर के साथ मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से महारानी श्री जया कॉलेज में काउंटिंग शुरू होगी, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कॉलेज कैंपस में 3-लेयर बैरिकेडिंग की गई है, सिर्फ प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु यादव ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है, उनके साथ जो इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं वो भी मौजूद रहे और आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। किस तरह की तैयारियां सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और आपने अंदर निरीक्षण किया? अभी ECI के ऑब्जर्वर जो महोदय आए हुए हैं उनके साथ हमने काउंटिंग हॉल्स का सेंटर का निरीक्षण किया है। जो भी रिक्वायर्ड जो ECI के जो निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी है ऑलमोस्ट सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा है, मीडिया रूम, पब्लिक कम्युनिकेशन रूम, उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही सभी जो हमारे काउंटिंग हॉल्स हैं उसमें 11 EVM टेबल्स होंगी जिसपे EVM हर राउंड में काउंट होंगे। साथ ही 3 पोस्टल बैलेट की टेबल होंगी, उसके साथ ही ETPBS प्री स्क्रीनिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। QR कोड स्कैनर्स लगेगी, तो इस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही बिना चेकिंग के किसी भी व्यक्ति को जो हमारा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा घेरा है उसमें अलाउ बाहर से ही नहीं किया जाए। काउंटिंग सेंटर जो प्रमाइसिस है, जो MSJ एक कॉलेज है, इसके 100 मीटर्स तक पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा। MSJ जो कॉलेज ग्राउंड है वहीं पार्किंग होगी, वहीं से ही पैदल यहाँ आना होगा। जिसको काउंटिंग एजेंट्स को भी इस बारे में बता दिया गया, कैंडिडेट्स को भी इस बारे में बता दिया गया, साथ ही हमारे काउंटिंग स्टाफ को भी बता दिया गया। सभी को समय पे, क्योंकि स्ट्रांग रूम भी 6:30-7 बजे खुलने हैं, अलग अलग विधानसभा ने अलग अलग उसके लिए समय रखा है, तो काउंटिंग जो एजेंट्स हैं उनके माध्यम से कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि आप अपने कैंडिडेट हैं एजेंट्स हैं उनको बता दें कि वो भी यहाँ स्ट्रांग रूम उपस्थिति के समय खोलने के समय उपस्थित रहें। यह है जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु, जिनका कहना है कि पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं और किसी भी तरह से कोई भी किसी प्रकार की जो है यहाँ पर चूक ना हो, इसको लेकर के पूरे जो बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर की गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, News18 भरतपुर। दौसा में पंडित नवल किशोर शर्मा PG कॉलेज में रविवार को मतगणना होगी। मतगणना की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना को देखते हुए PG कॉलेज के सामने वाला मुख्य सड़क यानी आगरा रोड पूरी तरह से बंद रहेगा और आगरा रोड से जुड़ने वाले लिंक रोड और गलियों को भी बैरिकेड लगाकर बंद किया जाएगा। वहीं वर्तमान में EVM 3-स्तरीय सुरक्षा घेरे में है। कल मतगणना के दिन सुरक्षा का 4th घेरा भी लगाया जाएगा, जो मतगणना स्थल के 100 मीटर की परिधि पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकेगा। इधर मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। मतगणना के कर्मचारी और एजेंट मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, कुछ चिन्हित अधिकारी ही मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे। मतगणना को लेकर पुलिस की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से की जा चुकी है। जो मतगणना स्थल है उस पर 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जिस दिन पोलिंग हुई उसी दिन से काबिज है और अब जो मतगणना के दिन की सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी इस्टेब्लिश कर दी गई है। जो 100 मीटर के दायरे में कोई गाड़ी अलाउड नहीं होती उस प्रकार से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा मोबाइल पार्टीज़ हैं जो पूरी तरीके से कंटिन्यूसली मूवमेंट पर रहकर इंश्योर करेंगी कि कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे। हमारे पास जो एक्स्ट्रा जाप्ता अवेलेबल है उसके आधार पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्स्ट्रा जाप्ता भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कल उम्मीदवारों के भविष्य के फैसले का दिन है और मतगणना के साथ ही सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। कोटा में JDB गर्ल्स कॉलेज में सभी 6 विधानसभा सीटों की मतगणना होनी है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना को लेकर तैयारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उम्मीदवारों के भविष्य के फैसले का दिन कल है, इसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो कोटा में मुकम्मल कर ली गई हैं। कोटा की 6 विधानसभा सीटें जिनकी मतगणना कोटा के JDB गर्ल्स कॉलेज में होनी है और महत्वपूर्ण होता है तमाम तैयारियों को पूरा करना, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। 3 स्तर में यहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी जाएगी, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है। इसके बाद हर राउंड में 12 EVM के वोट यहाँ पर गिने जाएंगे। पहले आधे घंटे में 13,251 पोस्टल बैलेट की जो गिनती है
वो शुरू होनी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पहला घेरा 100 मीटर का रहेगा जो पैदल यात्रियों के रूप में होगा स्थान पर। यहाँ पर उम्मीदवार, काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग में लगाए गए कर्मचारियों की पहचान को सत्यापित किया जाएगा। कोटा का जेडीबी गर्ल्स कॉलेज मतगणना के लिए पूरी तरह से तैयार है और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी कर ली गई है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना को लेकर श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कल मतगणना की जाएगी। वहीं मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। मतगणना स्थल पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। 2023 को हुए राजस्थान में विधानसभा चुनावों में आखिरकार लाखों मतदाताओं ने क्या निर्णय किया, इसका फैसला कल मतगणना के दिन हो जाएगा। कल 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना को लेकर श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन के साथ साथ पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी इस समय श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तय किए गए मतगणना स्थल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज पे ही मौजूद हैं। श्री गंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना स्थल पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना स्थल पर प्रवेश ना कर सके। साथ ही साथ जो व्यक्ति मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं, चाहे बेशक वो जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारी हों, कार्मिक हों, उनका अधिकृत पास देखने के बाद ही उनकी बाकायदा एंट्री की जाती है, उसी के बाद उन्हें मतगणना स्थल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। ये श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तय किए गए मतगणना स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज पर ही मौजूद है और आप यहाँ के हालात देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग के साथ साथ पुलिस महकमा मतगणना स्थल की सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। जिला निर्वाचन विभाग द्वारा मतगणना कार्मिकों को एक ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है, दूसरी ट्रेनिंग की अभी फिलहाल चल रही है। वहीं कल मतगणना से ठीक 2 घंटे पहले यानी तकरीबन 5:30 बजे एक बार फिर से मतगणना कार्मिकों को जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा ताकि कल मतगणना के दौरान किसी भी तरह की कोई गफलत न हो और आराम से शांतिपूर्वक और गंभीरता से मतगणना का कार्य पूरा किया जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनेगी और 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं है, जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा पहली माला उसे वो पहनाएंगे। ये बात उन्होंने राजसमंद के नाथद्वारा में प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद कही। वहीं असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी शुक्रवार शाम प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। करोड़ों मतदाताओं ने भाजपा में जो विश्वास जताया है उसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूं। स्पष्ट बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। अरे नहीं, मैं कहीं जोर में नहीं हूँ। मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री राजस्थान में बने और पहली माला सीपी जोशी पहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया और टीम राजस्थान ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी, जनता जनार्दन का भी आज आभार प्रकट करता हूँ का उनका खूब समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद पार्टी को मिला। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसे में मतगणना से पहले एक तरफ जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, वहीं उनके समर्थक भी हार और जीत को लेकर पसोपेश में हैं। दौसा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर शर्मा के विजयी होने की कामना को लेकर आज उनके समर्थकों ने सामूहिक कनक दंडवत लगाई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थक कनक दंडवत लगाते हुए दौसा के प्रसिद्ध शिवालय नीलकंठ महादेव मंदिर पर पहुंचे और बाबा नीलकंठ के ढोक लगाकर विजय दिलाने की कामना की। को दौसा का विधानसभा का जो परिणाम आने वाला है उसके लिए हम भाजपा प्रत्याशी आदरणीय श्री शंकरलाल शर्मा जी की जीत की कामना के लिए दौसा के राजा बाबा नीलकंठ महादेव के दंडवत कर रहे हैं और बाबा से अरदास करेंगे कि कल हमारे आदरणीय शंकरलाल जी शर्मा को विजयी बनाए। देखिए, कनक दंडवत देने का रीजन ये है कि पहले भी हमने जो दौसा के टिकट की जो लगाई थी गुरुवार बाबा से शंकर शर्मा जी की लगाई थी और वो हमारी पूर्ण हुई और शंकर शर्मा जी दौसा से टिकट लेकर आए। अब भी हम दौसा के राजा बाबा नीलकंठ के यहाँ छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सब जो कावड़ यात्रा वो
दंडवत यात्रा जो कर रहे हैं वो इसी क्रम में कर रहे हैं कि बाबा ये मनोकामना भी पूर्ण कर ताकि दौसा में अमन चैन सुख शांति बहाल हो सके, शंकर शर्मा को बाबा भारी मतों से विजयी बनाए। राजस्थान में नई सरकार बनने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 3 दिसंबर को प्रदेश की जनता का जनादेश सामने आ जाएगा। वहीं मतगणना के पहले पश्चिमी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव के दरबार में नेताओं ने हाजिरी लगाना और मन्नतें मांगना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाबा के दर पर जाकर समाधि पर पूजा अर्चना कर अपनी जीत की मन्नत मांगी। साथ ही फलौदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश छंगाणी समेत कई प्रत्याशियों ने समाधि स्थल पर पूजा अर्चना की। और इस विधानसभा चुनाव में पोखरण का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी चर्चा बनी पोखरण की सीट पर। एक तरफ बीजेपी के महंत प्रतापपुरी महाराज हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शाले मोहम्मद मैदान में हैं। वहीं मतगणना से एक दिन पहले महंत प्रतापपुरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं। महंत ने व्यासों की बगीचे स्थित श्री जाजवला माता मंदिर में हवन की आहुतियां दी, साथ ही महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर जीत की मन्नत मांगी। इस दौरान प्रतापपुरी ने एक धन्यवाद सभा का भी आयोजन किया जिसमें तमाम स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही महंत ने अपनी जीत का दावा करते हुए प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने की बात कही। केवल हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान हुआ है। कमल खिलेगा, मोदी जी के साथ खड़ा रहने का हमें संकल्प लेना है। 2024 की तैयारियां करनी है और जीत के बाद हम कोई जश्न में नहीं खोएंगे, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहेंगे। देखिए, मैंने हर जाति वर्ग को साधने की कोई प्रयास नहीं किया, हर जाति वर्ग ने मुझे साथ दिया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो मुझे समझ पाए हैं कि मैं क्यों आया हूँ और मैं क्या हूँ, और मैं ये खुद को समझ रहा हूँ कि जो जनता मेरे में विश्वास करिए प्रभु मेरे में ताकत देना, मैं उनके सपनों को साकार कर पाऊँ, मैं उनके साथ खड़ा रह पाऊँ, और जो उन्होंने मेरे में विश्वास जिताया है मैं उनके विश्वास को अक्षुण रखूँ, उनको मजबूत कैसे करूँ। बस मेरी तो यही लगन है कि मैं काम आ जाऊँ, किसी के इस माध्यम से आऊँ, और मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी भारतीय जनता पार्टी को, मेरे परिवार को, मेरे क्षेत्र को मैं अपना छोटा सा योगदान दूँ और उसको मजबूत कैसे कर सकूँ, यही मेरा सपना है और यही मेरी कर्तव्य है। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। लीजिए।